माय स्वाति हर्ट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के मॉर्निंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर रेड टी बन रहा है और आप सब के लिए, आप सब तैयार हो पीने के लिए? तो चलिए, मैं भी तैयार हूँ। तो पहले पीते हैं, फिर मिलते हैं। तो व्लॉग बहुत मज़ा आने वाला है, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। तो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी अभी मैंने नहा धो के पूजा करके टी लिया है और थोड़ी देर के बाद नाश्ता करेंगे। राजीव घर पर है, राजीव ने कहा उनको थोड़ा काम है, वो थोड़ा निकल के जाएंगे कहीं, और इस वजह से हमने जो है मॉर्निंग का नाश्ता, मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, बस नाश्ता करना बाकी है। और मैंने नहा धो के पूजा पाठ करके आज बैठी हूँ, और आज है थर्सडे और वीडियो आज ही अपलोड करूँगी। तो आज का सबसे स्पेशल जो है कि मैं आज व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ, और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे जो गुरुदेव है उनका जो फ़ोटो मैंने बहुत दिनों से रखा हुआ था पर फ्रेम नहीं किया है। मैं हमेशा सोचती हूँ आज कल करूँगी, पर टाइम तो मिलता था, पर शायद मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गई थी। तो आज मैं ये फ्रेम करवाऊँगी, फ्रेम करवा के मैं घर पर ले आने वाली हूँ आज। तो मैं निकलने वाली हूँ राजीव के साथ। वैसे ना बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा था बाल में, तो मैंने ये डीप क्लीन शैम्पू से एश्योर का है जो मैंने यूज़ किया है। इसमें लेमन और थाइम का एक्सट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा फ्रूट वगैरह होता है, और ये ऑयली हेयर के लिए बेस्ट रहता है। तो ये मैंने कोई भी दुकान से परचेस नहीं किया है। हमारा एक बड़ा अंकल है, तो वो अंकल जो है ना वो बिजनेस करते हैं, ये कंपनी का जो है पेस्ट्रीज, शायद उनके ये प्रेस्टिज कंपनी के शायद से। तो ये चीज़ मैंने उनसे लिया था, तो ये बहुत अच्छा है, 190 का आता है और बहुत डीप क्लींस होता है। मेरा जो जितना भी थोड़ा सा जो डैंड्रफ वगैरह, जो बाकी शैम्पू करने से जो थोड़ा सा डैंड्रफ वगैरह रह जाता है ना, ये पूरा डीप क्लीन कर लेता है। तो अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम में डैंड्रफ हो रहा है, तो एश्योर का ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें 10 बजे निकलना है। तो नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। यहाँ इतना शांत है, सिर्फ फैन और मैं और आप, यहाँ हम तीन हैं बस यहाँ पर। तो वही है, तो चलिए आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जोरहाट का साया शॉप में मैं आई हूँ, और ये वाला फ्रेम है ना, मैंने पहले ही पसंद करके गया था, और फाइनली मैंने बोला था कि मुझे यही फ्रेम में फ्रेम करवाना है फ़ोटो को। तो अभी बोल रहे हैं कि ये लेंथ में बड़ा है ये फ्रेम, और फ़ोटो जो है ब्रॉड में बड़ा है, तो नहीं हो सकता है। तो वो अब कुछ और फ्रेम दिखाएंगे, देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आपको फाइनल लुक्स दिखाऊँगी। पर मुझे तो यही फ्रेम चाहिए था, बट नहीं हो सकता, तो देखते हैं। तो ये वाला फ्रेम रिजेक्ट हो गया, और फाइनली जो हमने पसंद किया है ये वाला है। इसमें ना तीन फ्रेम किया गया है इसमें, तो यहाँ पर ब्लैक, वाइट और गोल्डन है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जितना वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा है पर ओरिजिनल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यही वाला हमने फाइनल सिलेक्ट किया, पर सबसे ज़्यादा पसंद मुझे वही था, पर ये भी चलो ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। बताओ कैसा है? हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो अभी बज रहा है 4:15, तो हम आ गए थे 2:30 को। आने के बाद थोड़ा सा खा पी के फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। वैसे हम बाहर में भी खाए थे, पर आते आते थोड़ा सा भूख लग गया था, तो फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा लंच फिर से करके फिर हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि वीडियो एंड भी कर लेते हैं व्लॉग, क्योंकि व्लॉग फिर मैं एंड नहीं करूँगी तो ऐसे छोड़ देने से थोड़ा सा ख़राब लगता है, तो वही चीज़ था। और वैसे भी बहुत दिन के बाद ये व्लॉग अपलोड होने वाला है। तो ना दोस्तों, मैं क्या सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा डांस वीडियो वगैरह बनाऊंगी। एक दो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है, पता नहीं आप लोग ने देखा है कि नहीं। अगर देखा है तो बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे, क्योंकि ना मुझे अभी थोड़ा सा बहुत दिन हुआ मैंने डांस करना छोड़ दिया, यानी कि 3 to 4 years हो गया। पहले भी बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ज़्यादा स्टेप्स ख़राब हो गया है मेरा, और थोड़ा सा शर्म जो होता है ना वो भी हो लगता है,
पर मैं फिर कवर अप करने का कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो थी वही फिर से करूँगी, क्योंकि मैंने अपना जो एक्टिविटी है वो मैंने बहुत ख़राब करके रखा हुआ है, तो सब कुछ चेंज करने वाली हूँ। वैसे भी 2022 चल रहा है, तो मैंने पहले से सोच के रखा था कि 2022 से मैं पहले जैसी थी वैसे मैं फिर से करूँगी, क्योंकि ये 2-3-4 साल जो था ना वो मैंने अपने आप को थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अब किया जाए। और वैसे मैं एक्सरसाइज नहीं करती, तो मैंने सोचा कि अगर डांस वगैरह करते हैं ना तो एक्सरसाइज भी एक बना रहता है, तो यही चीज़ था। वैसे कि एक्स्ट्रा टाइम निकाल के एक्सरसाइज करना वो हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो यही चीज़ था। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया है, और शॉर्ट्स वीडियो मेरा देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं कुछ करूँ, ठीक है। तो अगर पहली बार देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल के, मेरे चैनल के नाम है स्वाति रजक लाइफ स्टाइल, और इस चैनल में मैं लेके आती हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीडियो। और अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे मोटिवेट होगा और मैं और ढेर सारा करने का कोशिश करूँगी। तो बाय गाइस, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Thank you.